वॉइस टीवी न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं वॉइस टीवी यूपी खबर सबसे तेज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कोमल गुप्ता। वॉइस टीवी यूपी पर आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के जनपद फिरोजाबाद में SM चैरिटेबल ट्रस्ट राजा मंडी आगरा की ओर से निशुल्क शिविर कैंप का आयोजन फिरोजाबाद के नगला बरी 60 फुटा रोड शहनाई मैरिज होम में आयोजित किया गया, जिसमें आगरा से आए डॉक्टर फरहत खान वरिष्ठ जनरल सर्जन ने बताया कि हमारी संस्था मलिन बस्तियों में रहने वाले गरीब लोगों की चिकित्सा के माध्यम से हर इलाके में सोशल हेल्थ सोसाइटी बनाकर सामाजिक बुराइयों और बीमारियों के अंधेरों को खत्म करके समाज और सुधार और तरक्की के रास्ते पर ले जाना चाहती है। आज शिविर में डेंगू मलेरिया और बुखार आदि के चेकअप और दवा फ्री दी गई। हमारी एक टीम 20 सदस्यों की बनाकर, जिसमें 10 डॉक्टर्स हैं, बाकी के पैरामेडिकल स्टाफ जो लोगों की निशुल्क सेवा के लिए हर समय तत्पर तैयार रहते हैं। आगरा जनपद के विभिन्न मलिन बस्तियों में कहा हम लोग कैंप लगाकर निशुल्क दवाएं वितरित करते हैं। फिरोजाबाद में भी आज शहनाई मैरिज होम में कैंप लगाया गया, जहां सैकड़ों लोगों ने इस वैश्विक महामारी डेंगू, जिससे पूरे प्रदेश के अंदर हाहाकार मचा हुआ है, प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में गरीबों के बच्चों का इलाज ना होने से मृत्यु हो रही है, और कहा कि हमारी एक पहल से अगर किसी गरीब बच्चे की जान बच जाती है, सही है, यही हमारा जागरूकता अभियान है। आज यहाँ सैकड़ों लोगों ने अपने रजिस्ट्रेशन कराकर अपने चेकअप कराए और दवा निशुल्क ली। मुख्य चिकित्सा अधिकारी का सहयोग हमको परस्पर मिलता रहे तो इस तरह के कैंपों का आयोजन हमारी संस्था लगातार करती रहेगी। SM चैरिटेबल ट्रस्ट किस तरह का कार्य करता है और आज शहनाई पैलेस में किस तरह का कैंप लगाया गया? देखिए, ये कैंप जो लगाया गया फिरोजाबाद में, जो डेंगू बुखार से लोगों के इंतकाल हो रहे हैं, तो डॉक्टर फराज साहब, इनको ये ऐसा फील हुआ कि फिरोजाबाद में क्यों ना खिदमत दी जाए, उसी बुनियाद पर ये सारे अपने साथियों डॉक्टरों के साथ में यहाँ तशरीफ लाए हैं, और उसी को जहाँ तक ब्लड भी टेस्ट हो रहा है, सब काम हो रहा है, यहाँ पर दवाएँ भी फ्री दी जा रही है। सिर्फ इसलिए खिदमत करने के लिए आए, आगरा से तशरीफ लाए सभी लोग। चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा आज आपके द्वारा यहाँ शहनाई मैरिज होम में कैंप लगाया गया, ये किस तरह का कैंप है, किस तरह के मरीजों को देखा जा रहा है? इसमें एक्चुअली हमारा फोकस जो है, जो फीवर के मरीज हैं, बुखार खांसी के मरीज़ हैं, उनको देखना है, और टारगेट ये है कि थोड़ा सा जो डेंगू फैल रहा है, जैसे आप लोगों को पता है, तो उस डेंगू पर थोड़ा सा हम लोग स्क्रीन आउट करें, पेशेंट को अलग करें और उनका ट्रीटमेंट हम लोग दें, तो यही हमारा आज का मकसद है। यहाँ देखने को मिला है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी लोग धर्म के लोग हैं आए हैं, गरीब मरीजों को देखने की प्रेरणा आपको कब और कैसे मिली सर? देखिए, एक्चुअली हमारा जो ट्रस्ट है वो 10 साल से हेल्थ और एजुकेशन के फील्ड में काम करता है। ये कोई नया कैंप नहीं है, हम लोग आगरा जिले के अंदर जो मलिन बस्तियां हैं उसमें टाइम टाइम पर हम लोग जो है हेल्थ को बढ़ावा देने के लिए प्रोग्राम करते हैं, इस तरह के जो निःशुल्क कैंप है उनका आयोजन करते रहते हैं। मकसद ये होता है कि जो हेल्थ का जो बहुत बड़ा लोड है समाज के अंदर, मलिन समाज के ऊपर, ये लोड थोड़ा सा कम हो, और थोड़ा सा सरकार की तरफ से पैसे मतलब जो आसानियाँ हों, जो प्रोग्राम चल रहे हैं, तो उनके पैरेलल हम लोग काम करते हैं। परामर्श के साथ साथ सर दवा भी फ्री दी जा रही है? परामर्श के साथ दवाइयाँ हैं, स्क्रीनिंग जो टेस्ट हो रहे हैं डेंगू के, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, किट मतलब किट का भी कोई पैसा हम लोग नहीं दे रहे हैं, सब फ्री ऑफ कॉस्ट है। सर, इस तरह के कैंप आगे भी चलते रहेंगे? जी बिल्कुल, यहाँ पर भी हम लोगों ने अपनी टीम तैयार कर ली है, 20 लोगों की टीम है, जिसमें करीब 10 डॉक्टर हैं हमारे, 10 पैरामेडिकल स्टाफ भी ट्रेंड हैं सारे लोग, इसीलिए हम लोगों को ट्रेंड किया है किसी भी शहर के अंदर इस टाइप की एपिडेमिक अगर होगी तो हम लोग वहाँ जाकर के अपनी सेवाएं देंगे, निःशुल्क सेवाएं देंगे। बस ये है कि CMO साहब हमें कोऑपरेट करते रहे, हमें परमिशन देते रहे, हम लोग अपना काम निःशुल्क करते रहे।